एक माँ थी, उस माँ के 10 साल तक कोई पुत्र या पुत्री नहीं हुआ। माँ के जब 15 साल बाद एक पुत्र हुआ, तो जैसे ही वो पैदा हुआ तो बुजुर्गों भगवान की कृपा से उसके एक आंख नहीं थी। जब आंख नहीं दिखी तो डॉक्टर थे, उन्होंने बोला कि बच्चा हुआ है, मतलब बेटा हुआ है, लेकिन उसके एक आंख नहीं है। तो मैया ने आंखों में आंसू लेके बोला कि अरे तो क्या हुआ, आंख नहीं है, फिर भी मेरा चांद का ही टुकड़ा है। अरे जो 15 साल बाद बेटा हुआ, आंख नहीं है तो कोई बात नहीं, फिर भी मेरा चांद का ही टुकड़ा है। तो बोले ठीक है, लेकिन डॉक्टर बोले कि अगर कुछ समय बाद, थोड़े से समय बाद, अगर इस बच्चे को कोई एक माँ या बाप से कोई एक आंख दे दे तो दोनों आंखें आ सकती हैं। तो बाप ने मना कर दिया, बोले मैं बाहर काम करता हूं, मैं तो नहीं दे सकता। तो माँ बोली कि हमारी आंख का एक काम की, एक निकाल के डाल देना। तो मैया ने हां कर दिया। महाराज धीरे धीरे समय बीता, 1 साल का बेटा हुआ। ध्यान से सुनना माताओं, 1 साल का बेटा हुआ तो एक्सीडेंट में वो बच्चे के बाप मारे गए। अब वो धीरे धीरे और बड़ा हुआ, 2 साल का, 3 साल का, 4 साल का। इतनी गरीब मैया थी कि घर घर झाड़ू पोंछा करती, अपने बेटे को बड़ा करने लगी। सबके घर में झाड़ू पोंछा बर्तन काम करती, खूब बच्चे को बड़ा करने लगी। 4 साल का हुआ तो गांव में एक स्कूल था, उसी स्कूल में दाखिला करवा दिया। बच्चा पढ़ने जाता तो माँ छोड़ने जाती थी रोज, क्योंकि अकेला बेटा, पति भी है नहीं तो सारा वो ही है। तो लेके जब जाती, थोड़ी सी मैया सांवली थी, मतलब काली थी, तो और एक आंख भी नहीं थी, मतलब आंख निकाल के बच्चे को दे दी। अब स्कूल में जो उस बच्चे के मित्र थे वो कहने लगे, ये तेरी माँ है, अरे इतनी काली सी, कुरूप सी, इसके आंख नहीं है, ये रोज छोड़ने आती है, रोज असगुन होते हैं, अरे तू अपनी माँ से बोल दे कि कल से छोड़ने ना आए। बच्चे को बड़ी बेइज्जती लगी, घर पे आया मुंह फुला के एकदम गुस्से में। मैया बोली क्या हुआ लाला, भोजन कर ले। बोले नहीं करूंगा। बोले क्या हुआ लाला, किसी ने कुछ बोला है? बोले नहीं, अब बस मेरी आप एक बात कान खोल के सुन लो। बोले क्या हुआ? बोले आप मुझे स्कूल छोड़ने नहीं जाएंगे। बच्चा बोलता क्यों नहीं? वो माँ बोलती क्यों नहीं जाऊंगी? बोले देख मैया, तू पहले से काली है और कुरूप है और एक आंख भी नहीं है, तो मुझे बड़ी बेइज्जती लगती है कि तू स्कूल छोड़ने जाती है, मित्र मेरे मजाक बनाते हैं। मैया बोली ऐसी बात है तो कल से छोड़ने नहीं जाऊंगी, लेकिन लाला तू मेरी जान है, जान बसती है, अगर तू तुझे कुछ हो गया तो मैं जीते जी मर जाऊंगी, एक काम करना, बहुत अच्छे से जाना और बहुत अच्छे से वापस आना। हाँ हाँ मैं बड़ा हो गया। महाराज पास के स्कूल से मैया ने पढ़ा लिखा के हाई स्कूल कराई और 12वीं क्लास से फिर बाहर भेज दिया। बाहर बच्चा पढ़ता, मैया पहले तो 2-4 घरों में झाड़ू पोंछा करती, अब दिन रात मेहनत करती, हर महीने बेटे को 20-30 हजार रुपए भेजती बाहर, हर महीने बेटे के लिए 20-30 हजार रुपए जाते। बेटा खूब पढ़ाई कर रहा है, खूब पढ़ता है। माँ मनी मन में विचार करती, एक दिन ऐसा आएगा जब मेरा बेटा अफसर बन के घर आएगा। रोज फोन करता मैया, मैं जल्दी आऊंगा, जल्दी आऊंगा। लेकिन एक दिन वो आया कि 1 साल तक मैया के पास फोन नहीं आया, 1 साल तक फोन नहीं आया। तो माँ बेचैन होने लगी, लेकिन माँ माँ होती है। विचार किया, लगता है कहीं बिजी हो गया होगा, कहीं व्यस्त होगा, इसलिए फोन नहीं कर पाया, वरना अपनी बूढ़ी माँ को नहीं भूल सकता। महाराज 1 साल बाद जब फोन आया तो फोन सीधा बेटे ने किया कि मैया तेरी मेहनत रंग लाई है, तेरा बेटा अफसर बन गया, अफसर हो गया। बोले तेरा बेटा अधिकारी बन गया, माँ तेरी मेहनत रंग लाई। तो माँ बोली लाला घर पे आजा, मतलब जल्दी आजा घर पे, मुझे तेरी याद आती है।
आऊंगा मैया आऊंगा। अब वो फोन आने के बाद माताओं दोबारा एक साल तक फिर फोन नहीं आए। मैया रोज पड़ोस में जाती, अरे मेरे बेटे का फोन आया क्या? पड़ोसी बोलता क्यों मरी जा रही हो, कोई फोन नहीं आया। माँ बोलती लगता भूल गया। अरे भूला नहीं होगा, वो कहीं व्यस्त होगा, अधिकारी हो गया है। लेकिन ये भी सोचती कि जिस दिन घर आएगा मैं पूरे गांव में लड्डू बंटवाऊंगी और मैं कुर्सी पे बैठूंगी कि मेरा बेटा अधिकारी हुआ है। लेकिन तसल्ली है, मन में तसल्ली है कि फोन जरूर आएगा बेटे का। महाराज एक साल बाद फिर फोन आया कि माँ तेरे बेटे ने एक बड़े घर से शादी कर ली, बहुत बड़े घर की लड़की थी, शादी कर ली मैंने। माँ को लगा कि इतना बड़ा हो गया मुझे बुलाया ही नहीं। वो कहते ना ममता जागृत हो रही है, परेशान है, तिलबिला लेती है, भाग के रोज फोन को देखती, आज करेगा मेरा बेटा, आज करेगा। लेकिन महाराज फिर दो साल तक फोन नहीं आया। वो भी बूढ़ी माँ की आंखें हैं, इतनी इंतजार में रुकी है। दो साल बाद फोन आया, मैया तू दादी बन गई, तेरे घर में एक नाती आया है। अब कहां तसल्ली हो महाराज, बेटा अफसर हुआ तब भी झेल लो, बहू आ गई तब भी झेल लिया, लेकिन बुजुर्गों जहां नाती आ जाए फिर कौन तसल्ली करे। सामान बांधा, बच्चे यहां वहां से झाड़ू पोछा करती थी, कपड़े लिए मतलब पुत्र के लिए, नाती के लिए, बहू के लिए एक बड़ी सी पोटली। अब गांव की जो माताएं होती हैं उन्हें कोई छल कपट नहीं होता, कौन क्या सोचता है, भाड़ में जाऊं, मुझे जो करना है वो मैं करूंगी। और बूढ़ी माताएं उनको कोई मतलब बड़ी भोली होती हैं, बड़ी सी गठरी बांध के। और जो बेटे के पत्र आते थे एक साल बाद, वही एक चिट्ठी लेकर के अपनी साड़ी की किनारी में बांधी और चली। महाराज उस पते पर पहुंची तो जहां अधिकारी साहब का बंगला था वहीं उतरी, और जैसे ही रिक्शे से उतरी तो गठरी हाथ में है और बाहर चपरासी खड़ा था। भैया ने सारा दिया इधर, क्या है? अब चपरासी को लगाइए भिखारे ने, ऐसे वस्त्रों में थी, काली सी कुरूप सी आंख है नहीं, तो लगा कि ये मांगने वाली है। जवाब दिया क्या चाहिए आपको, साहब तो अंदर है, 10-5 रुपए चाहिए मैं दे देता हूँ जाओ। बोले नहीं भैया मैं भिखारे नहीं हूँ ना आपके यहाँ कुछ लेने आई हूँ, बस ये है कि आपके जो साहब है ना उनकी भी माँ हूँ। चपरासी बोला तुम्हारे जैसी माँ रोज आती है, क्या ठगने आ गई? अरे चली जाए यहां से, जो भी चाहिए मैं दे दूंगा। बूढ़ी मैया बोली मैं झूठ नहीं बोलती, वो मेरा ही लाला है, मैंने बहुत मेहनत की अपने बच्चे को पढ़ाने में, और तू मुझे भिखारी ना बोलता है, मैं अपने बेटे से बोलूंगी। हाँ रोज देख लिए तुम्हारे ऐसे बेटे। बोले एक काम कर, ये पत्र है ना, ये पत्र पढ़ ले, इतने साहब नहीं भेजा था मुझे। जैसे ही चपरासी ने चिट्ठी पढ़ी, सोचा ये साहब का ही राइटिंग है, तो बोले जा माँ माफ करना, तू पहले मिल ले जाके। अब मिलने के लिए जैसे ही बूढ़ी मैया पहुंची, बोले गठरी यहीं पर रख के जाइए, सामान वगैरह यहीं रख दे। महाराज सबसे पहले माँ ने एंट्री ली, और जैसे ही घुसी तो बहू तो रसोई में काम कर रही और साहब अपने कमरे में कुछ काम कर रहे, और जो बच्चा था ना वो छोटा सा वो पालने में लेटा था। बहू भाड़ में जाए बच्चे की कोई फिक्र नहीं। बूढ़ी मैया ने नाती को देखो सो उठाई के छाती से लगाई लियो। अब बहू ने जो बाहर को देखो तो बहू ने सास तो देखी नहीं थी, एकदम से चिल्लाई, बोले अरे महाराज ये क्या हुआ? बोले क्या हो गया? बोले अरे महाराज ये कोई भिखारिन है जो बच्चा चोरी करने आई है, ये बच्चे को ले जा रही है साहब, आप जल्दी बाहर आइए। जवाब दो मैं भिखारिन नहीं हूं, अरे ओ बेटी मैं तेरी सास हूं। सास हूं? साहब बाहर आए, पहले तो देखा मां को, तो बहू ने ताली बजाई,
और एकदम से अजीब सी हंसी लेके बोली, साहब ये आपकी माँ है क्या? ये भिखारिन जैसी दिख रही है, आपकी माँ है? मैं इतने बड़े घर की बेटी हूँ, ये कैसी माँ है? साहब को लगा कि पत्नी के सामने बेइज्जती हो रही है। साहब बोले, कौन बोला ये मेरी माँ है? नहीं नहीं, ये मेरी माँ नहीं है। बोले, सौगंध खाई है? बा तेरी सौगंध खाता हूँ, ये मेरी माँ नहीं है। बोले, हैं बच्चा क्या बोल रहा है? माँ बेटे के चेहरे को टकटकी लगा के देख रही, तू मुझे भूल गया? अरे मैंने इतनी मेहनत से तुझे पढ़ाया लाला, तू आज अधिकारी बन गया तो मुझे ही भूल गया। बोले, झूठ बोलती है, क्या चाहिए? पैसे चाहिए, ले जा। धक्के मार के साहब ने मैया को ऊपर से नीचे भेज दिया। मैया ने सबसे पहले चपरासी के पास जाके एक पत्र लिखवाया और साड़ी की किनारी में वो चिट्ठी बांधी, और चिट्ठी बांध के महाराज वापस फिर वो जो पोटली थी ना उसे लेके चली। नीचे कमरा था, मैया ने अपनी साड़ी उतारी और साड़ी उतार के जो पंखा था ना उस पर साड़ी टांगी और फांसी लगा ली। विचार किया, जब अपने ही नहीं पहचान रहे तो फिर क्या होगा। फांसी लगाई, अब बहू के साथ में साहब ऊपर से नीचे आ रहे थे तो सबसे पहले बहू की निगाह पहुंची। बोले, साहब ये अभी जो आई थी ना भिखारन, जिस जो आपको अपनी माँ बोल रही थी, तो मर गई है, फांसी पे लटकी है। अरे से उतारो। साहब एकदम से भागे, अरे गजब हो गया, इतनी तेज भागे, दादा मुंह के बल अधिकारी गिरा। और जैसे ही बेटा गिरा, सो मैया को फांसी से नीचे उतारो, देखा निगाह डाले पल्लू में कुछ बंधा, पत्र खोला, उसमें लिखा था, अरे ओ बेटा आज तू पहचानने से मना कर रहा है, ये जो तेरी आंख है ना दूसरी, जब तू पैदा हुआ था ना एक आंख नहीं थी, इस बूढ़ी माँ ने एक आंख दी थी, जिसे तू कानी बोल रहा था, जिसे तू भिखारिन बोल रहा है, इस बूढ़ी मैया ने तो को मेहनत कर करके पढ़ाया, बच्चा आज तूने मुझे पहचानने से मना कर दिया, मैं दुआएं देती हूँ कि तू और तेरा बेटा और तेरी बहू सदा सलामत रहे। इतना पत्र पढ़ा, अब साहब जो वस्त्र मैया लेके आई थी उन पे मुंह रख के खूब रोए। बोले, आप क्यों रो रहे हो? पत्नी बोली, क्यों रो रहे हो? बोले, अरे वो देवी मुझसे गलती हो गई है, मेरी माँ है, आज मैंने अपनी मेरी माँ ने शरीर को शरीर नहीं समझा, सब कुछ न्यौछावर करके मुझे इतना बड़ा अफसर बनाया, वंत समय में मैंने माँ को पहचानना ही बंद कर दिया, चाहे लाख जतन कर लो दादा, जिंदगी में जो माँ है ना उसकी बराबरी कोई नहीं कर सकता। भगवान ने कहा है कि माँ का मैंने माँ इसलिए बनाई है, भगवान ने कहा मैंने माँ इसलिए बनाई है क्योंकि मैं हर घर में नहीं जा सकता, अगर मेरी मैं न पहुंच पाऊं तो मैंने माँ बनाई है ताकि माँ बच्चों का ख्याल भगवान से भी ज्यादा रखती है। कुछ लोग ऐसे होते हैं जो स्वयं तो सास ससुर गांव में पड़े हैं, खुद शहर में कमरा लेके बढ़िया व्यवस्था है, अच्छे से रह रहे हैं, और बोल दो कि पति अगर धोखे से बोल भी देना कि वो माँ को बुला लूं दो चार दस दिन के लिए, वो भी रह लेगी, याद आ रही है, तो बहू बोलती है फिर एक काम करो मैं मायके जा रही हूँ, आप अपनी माँ को ही रख लो। अरे जिसने 25 साल तक उस माँ की तुम क्या बराबरी करोगे, उस माँ से उस सास से बहुएं क्या मांग सकती हैं जिसने अपने बेटा तुम्हें सौंप दिया, और तुम उससे क्या मांग सकती हो? बहू अगर ये बोल दे कि मुझे बाहर ले चलो आपकी माँ गांव रहेगी, तो कुछ माताएं तो ऐसी होती बोल देती, हाँ ठीक है तू ले जा बहू को। आप इतना याद रखिए, जीवन में जरा भी माँ बाप ने संस्कार दिए हैं या संस्कारों पे पली बड़ी हो, तो सास ससुर घर में हैं,
अच्छा पति है घर में, उसको माताएं अपने पति को जान से भी ज्यादा प्रेम करती है, क्योंकि सुहाग सबसे ज्यादा प्यारा है माताओं को। अब ये समझ लो जिसने तुम्हें सुहाग दिया है वो कितनी प्यारी होगी। आप उस माँ की बहुत इज्जत करो जिसने अपना बेटा आपको सौंपा है। बोलिए गोविंद भगवान की।